शिक्षक भर्ती व पुलिस आरक्षक भर्ती में हुए घोटाले के विरुद्ध में इंदौर में बड़ी संख्या में छात्र कलेक्टर घेराव करने पहुंचे। छात्रों ने नारे लगाते हुए उग्र प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि व्यापम पूरी तरह व्यापार मंडल बन चुका है, इसमें नौकरियों को बेचने का खुला खेल चल रहा है। कृषि भर्ती परीक्षा के बाद सरकार द्वारा व्यापम में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक को रोकने की बात कही गई थी, किंतु शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर पुनः व्हाट्सएप पर लीक किया गया। व्यापम में शिक्षा के माफिया बैठे हैं, लगातार एक के बाद एक नौकरियों को बेच रहे हैं। शिक्षा के माफिया नौकरियों की मंडी लगा रहे हैं, नौकरियों की नीलामी हो रही है और ये सब देख कर भी प्रदेश के मुखिया खामोश है। प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों ने कहा कि वो केवल पचमढ़ी में अपनी कुर्सी को कैसे बचाए रखा जाए, इसका चिंतन कर रहे हैं। जब छात्र पेपर लीक के बाद हल्ला मचाते हैं तो आंदोलन करते हैं तो सरकार दिखावे की कार्रवाई के लिए पेपर निरस्त कर देती है, पर दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस दौरान मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट से प्रमोद नामदेव, गोपाल सर, दिनेश ठाकुर, रंजीत किसानवंशी, रविंद्र परिहार, दिलीप जायसवाल, दुर्गेश मालवी उपस्थित रहे। प्रदर्शन करने पहुंचे छात्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही भयानक है। पिछले 4 से 5 साल में प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं निकली है। ऐसी स्थिति में जब युवा ओवरएज हो रहे हैं, हताश निराश का शिकार बन रहे हैं। सरकार को तुरंत भर्ती कर युवाओं को रोजगार देने चाहिए, परंतु बड़ी दुखद बात है कि जैसे तैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा 3 वर्ग का पेपर हुआ। व्यापम की लापरवाही के कारण आज वो पेपर भी लीक हो गया, जिसमें लाखों छात्रों ने पेपर दिया था। ऐसी ही गड़बड़ी पुलिस भर्ती में हुई और ये गड़बड़ियां लगातार हो रही हैं। इसका उदाहरण कृषि विभाग की भर्ती में तो हम ले ही सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती में पहले तो विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया गया और बाद में नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया। इसका कारण भी अभी तक नहीं बताया गया है। सरकार इन गड़बड़ियों को देख रही है। एक्स सर्विसमैन का भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये आज हमने प्रदर्शन नहीं किया, हम लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। पहले कृषि भर्ती परीक्षाओं में धांधली हुई थी, उसके बाद अब शिक्षक भर्ती परीक्षा और कांस्टेबल की परीक्षा में भर्ती हुई है, और ये सरेआम सर्वविदित हो गया कि व्यापम व्यापारिक परीक्षा मंडल से ये यहाँ पर नौकरियां लगातार बेची जा रही है। व्यापम में जो दलाल बैठे हैं, जो शिक्षा के माफिया बैठे हैं, वो मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य को नीलाम करने का काम कर रहे हैं, और ये जो बुलडोजर मामा है, इनका बुलडोजर व्यापम की तरफ जाते समय थरथरा जाता है, इनका बुलडोजर व्यापम पे नहीं चलता है। ये पंचमढ़ी में जाकर ये चिंतन करते हैं कि किस प्रकार शिक्षक की भर्तियों को बेचा जाए, उसके ऊपर चिंतन हो रहा है, और जो आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ ये FIR करने का काम कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कृषि भर्ती परीक्षा में जो टॉपर बने थे, आज उनका सिलेक्शन तक नहीं हुआ है। तो लगातार युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, युवाओं की नौकरियों को पैसे देकर बेचा जा रहा है, और लगातार जो व्यापम है वो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। उसमें एक के बाद एक नौकरियां बेची जा रही है। हमारी आज मांग है कि आप व्यापम को पूर्णतः बंद कीजिए। इसका नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, इसको बंद कीजिए, एक नया पूरा सिस्टम बनाइए, और व्यापम के जितने भी पदाधिकारी है उनके ऊपर CBI जांच कराइए। इनको सबको अपने पदों से हटाइए, क्योंकि आप नाम बदल देते हैं, आपके काम करने वाले वही लोग हैं। आज लक्ष्मण सिंह जिसका नाम आ रहा है, सरकार की क्या मजबूरी है कि उसका नाम सबके सामने, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई जांच नहीं कर रही है। सरकार आज ये मानने को तैयार नहीं है कि व्यापम में भ्रष्टाचार हुआ था। क्या मजबूरी है, कौन ऐसा उसमें मिला हुआ है जिसके कारण सरकार चुप्पी साधे हुए है? तो ये पूरे मध्य प्रदेश के छात्रों का भविष्य का सवाल है। आज हमारी सरकार से मांग है कि तुरंत इसको बंद किया जाए और एक नया सिस्टम लागू किया जाए, जिससे मध्य प्रदेश का जो गांव गरीब का बच्चा जो शहर में पढ़ाई करने आता है, जो अपने साथ एक सपना लेकर आता है, अपने माँ बाप के सपनों को सजोने के लिए यहाँ आता है, उसका सपना पूरा हो सके, और जो शिक्षा के दलाल और माफिया बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, ना केवल लीपापोती हो।